हेलो गाइस, सो जैसे आप सबको पता है कि इंस्टीट्यूट का कल एक नोटिफिकेशन आया था रिलेटेड टू द सेंटर चेंज फैसिलिटी। सो गाइस, बेसिकली जब ये अनाउंसमेंट हुआ, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग राइट कि ये एसओपी आ जाए, फुल एंड फाइनल गाइडलाइंस आ जाए, ताकि एक स्टूडेंट्स को क्लैरिटी रहे आगे। सो जब ये नोटिफिकेशन आया, आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो एंड पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू यू गाइस, बट आई थॉट इज दिस वॉट द स्टूडेंट्स नीड रियली एज ऑफ नाउ? देर इज समथिंग ब्रॉडर विच स्टूडेंट्स आर इन नीड करेंटली, क्योंकि ये आज एक नोटिफिकेशन आया है, दो तीन दिन बाद और कोई नोटिफिकेशन आएगा, एंड इस सिचुएशन में आप लोगों की मेंटल हालत कैसी होती होगी? तो आई जस्ट स्टेप्ड इन टू योर शूज एंड मैंने इमेजिन किया कि आप लोग को क्या फील होता होगा इस टाइम पे। तो आई जस्ट नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई करना, ऑलरेडी नोटिफिकेशंस, देन कोरोना का सिचुएशन, घर पे फैमिली इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, एंड ऑल ऑफ दैट। एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। जब भी आपको लगे कि आप डिस्टर्ब्ड हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, डीमोटिवेटेड हो, ये एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में चेंजेस दिखेंगे आपको, एंड यू कैन बी बैक ऑन ट्रैक। सो बिफोर दैट गाइज, ऐसे ही मोरल बूस्टिंग वीडियोस, मोटिवेशन टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस मैं इस महीने में डालती रहूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट। ऑल्सो गाइज, लास्ट मंथ स्टडी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई एम लीविंग अ लिंक हियर समवेयर, यू कैन गो एंड सर्टनली बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो गाइज, बहुत सारे टैब्स खुले अभी दिमाग में, पढ़ाई कैसे करे, लो कॉन्फिडेंस है, रिविजन कैसे करे, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में खुली है, इसीलिए आपका दिमाग ना थोड़ा हैंग सा बिहेव कर रहा है। तो गाइज, जब भी अपना कंप्यूटर हैंग होता है तब अपन क्या करते हैं? सिंपल थ्री पार्ट प्रोसेस। अच्छा, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालने वाली हूँ, तो प्लीज गाइज, बहुत सारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आउट हियर रिक्वेस्ट कि मैम प्लीज पुट आउट योर वीडियोज इन इंग्लिश। सो एक IGTV वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, आई एम लीविंग द लिंक टू माई इंस्टाग्राम अकाउंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। सो गाइज, ये एक सिंपल पार्ट प्रोसेस है। जब भी अपना कंप्यूटर हैंग होता है तो अपन क्या करते हैं? सिंपल कीज प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। सेम थिंग्स अपने को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना है अभी। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, ये एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। तो हाउ टू गो अबाउट इट? फर्स्ट थिंग्स, कंट्रोल योर इमोशंस गाइज। अभी क्या है ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे रूमर्स है, इस वजह से आपका थोड़ा सा इमोशंस आर ओवर पावरिंग योर केपेबिलिटीज, इमोशंस आर ओवर पावरिंग योर स्टडीज, इमोशंस आर ओवर पावरिंग एवरीथिंग करंटली। सो डोंट लेट इमोशंस डिसाइड योर करियर, डोंट लेट इमोशंस डिसाइड द कोर्स अहेड गाइज। आपको अभी हर एक चीज के कंट्रोल रहना चाहिए, हर एक चीज का कंट्रोल रहना चाहिए अभी। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर एवरी सिंगल डे नाउ। हर एक दिन आप क्या पढ़ाई करने वाले हो आपके कंट्रोल में चाहिए। 20-25 डेज बचे हैं गाइस, तो हर दिन कब पढ़ाई पर करने वाले हो, क्या पढ़ाई करने वाले हो, कब पेपर सॉल्व करने वाले हो, कब RTP सॉल्व करने वाले हो, ये सब चीजों के कंट्रोल में रहना है आपको गाइस। So be in total control of the next 20 days, be in total control of your emotions, stop allowing emotions to overpower your capabilities. Next आता है alter. अभी alter को मैं दो parts में divide करूंगी, एक है alternatives और एक है alter, actual alter. तो alternatives, this is for students who haven't absolutely studied, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल भी। तो क्या करना है गाइज, अगर आपने सोचा है कि मैं अटेम्प्ट डिले कर दूंगा, पोस्टपोन कर दूंगा, बाद में एग्जाम दे दूंगा, नहीं गाइज, अभी भी 20 डेज है, 60-70% पढ़ाई करो, लेकिन उतना थरली करो, फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स, वेज एंड मीन्स कि मैं कैसे करके, स्मार्ट स्टडी करके मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। डेफिनेटली दीज 20-25 डेज कैन एक्ट एज अ गेम चेंजर। सपोज 25 डेज है एंड इफ यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर 14-15 आवर्स अ डे, 300 घंटे गाइज, दीज 300 आवर्स कैन एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू। सो प्लीज कंसिडर द ऑल्टरनेटिव। वैसे भी एग्जाम फॉर्म तो भर ही दिया है ना, तो वाई नॉट गो एंड अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड एज फार एज ऑल्टर, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की है, सपोज आपने एम किया था कि आज 6th है, अभी तक आपका कुछ 100% सिलेबस हो जाना चाहिए था, अभी आप सिर्फ रिविजन करोगे, क्या होगा गाइज?
80% हुई है ना पढ़ाई, इट इज ओके. हमेशा जो अपन प्लान करते हैं उस हिसाब से चीजें होगी, इट इज नॉट नेसेसरी, एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. तो अभी क्या करना है, डोंट ऑल्टर एनी प्लान्स. जो चल रहा है चलने दो, जो आपने प्लान किया था करने दो. क्या होगा, ये 20% पढ़ाई नहीं होगी, इट इज ओके. लेकिन ये 80% आपको बार 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 रिवाइज करना है, ताकि आप भले ही 80 मार्क्स का पेपर लिखो, उसमें से 50 मार्क्स अपने को मिलने चाहिए. यस, सो डोंट ऑल्टर एनी प्लान्स नाउ. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिलीट डिलीट निगेटिव पीपल. ये जो फ्रेंड्स आपको फोन करके बोलेंगे, एग्जाम पोस्टपोनमेंट का डिस्कशन करेंगे, निगेटिव इमोशंस, निगेटिव फीलिंग्स, टॉक्सिक पीपल एंड जो भी नेगेटिविटी है, इन सबको डिलीट करना है आपके लाइफ से. अभी हर वो चीज आपको, जो आपको आपके एग्जाम से, जो आपको आपके गोल से दूर लेके जाती है, उसको नो बोलना है, क्लियर कट नो. स्टे अवे फ्रॉम दीज फीलिंग्स एब्सोल्यूटली. तब कहा जाके अपन अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे. तो कंट्रोल ऑल योर प्लान्स एवरी सिंगल डे. ऑल्टर, डोंट ऑल्टर एनी ऑफ योर प्लानिंग विच यू हैव डन टिल नाउ. एंड निगेटिव, डिलीट निगेटिव पीपल, निगेटिव फीलिंग्स, निगेटिव इमोशंस आउट ऑफ योर लाइफ. ये सब जिस दिन आप अप्लाई कर लोगे, आपको कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, एंड आप फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे. Okay guys, wish you all the best. I am there with you throughout this journey. Bas stay patient, stay calm and stay cheerful. All the best.